बताएंगे आपके नाम, क्या नाम के और कब से लगा रहे थे? मैं काफी अरसे से लगा रहा था, अभी तकरीबन 2 साल से बीमार था तो कारीगर से चलवा रहा था मैं। देखिए केएमसी के तहत शहर को जो है वो तजावजा से बात करना है और इस वक्त नागा चुरंगी से फोर के चुरंगी तक जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और इस वक्त इसकी जो सरबराही वो इमरान राजपूत जो कि डायरेक्टर केएमसी हैं वो इस वक्त कर रहे हैं और हम उनसे बात भी करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इमरान साहब तफसीलात अगर आप कुछ शेयर कर सकें कि ये ऑपरेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है। जी ये हमारा ऑपरेशन नॉर्थ नागन चोरंगी से फोर के चोरंगी तक का हमारा ये इस फेज़ में हो रहा है। बाकी इसके अलावा हमारा पूरे कराची में री इंक्रोचमेंट की मूव चल रही है। इंशाल्लाह ताला आपको इंक्रोचमेंट फ्री जोन नज़र आएगा। हम इसके ऊपर भरपूर काम कर रहे हैं। जिस दिन से मैंने चार्ज लिया आपको नज़र आ रहा होगा काम। आप इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन के बाद इसका अच्छा रिजल्ट देखेंगे। अच्छा अभी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हैं उसके बाद कौन सा मरहला होगा ज़रा बताएंगे आप तफसील? पहले फेज़ में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद हम भी जो परमानेंट लोगों ने चबूतरे बना के जगह घेरी हुई है हम इनको भी परमानेंटली रिमूव करेंगे। अच्छा इमरान भाई ये एक कॉन्सेप्ट मतलब कि माजी में ये तासुर भी रहा है और जाहिर है ये जो लोग हैं खुद भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि ये 10 दिन की होती है तमाम कार्रवाई जाने उसके बाद फिर यही लोग होते हैं यही पैसे लेते हैं और इनको जो है वह बाकायदा प्रॉपर अंदाज में लगवाया जाता है। नहीं देखें जहाँ काम होता है तो वहाँ शिकायत तो आपको नज़र आती है, काम होगा तो शिकायत होगी। ठीक है हमारे अगर कोई किसी अफसर या स्टाफ के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट मिलेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप इससे बेफिक्र हैं। अच्छा ये आप इस बात की अश्योर करते हैं कि ये तजावजा दोबारा नहीं लगेंगी इस पट्टी के ऊपर या पूरे शहर में जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है? हमारी भरपूर कोशिश होगी कि ये इंक्रोचमेंट दोबारा अपनी जगह पर वापस ना आ सके। तो ये जो फोर के चुरंगी तक जाएगा इसमें आप क्या क्या समझते हैं क्योंकि ये लोग बहुत अरसे से बैठे हुए हैं यहाँ पर? नहीं इंशाल्लाह ताला पहले अरसे से बैठे हों लेकिन अगर नाजायज़ बैठे हैं तो उनको हम हटाएंगे। अच्छा तो इसके बाद क्या प्लान है मतलब शहर के दीगर हिस्सों के अंदर भी जाना है आप समझते हैं क्योंकि ये पार्टियाँ भी लगवाती रही हैं माजी के अंदर ये तमाम तजावजात जो हैं? इसके हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काम चल रहा है, कल हमारे महमूदाबाद में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर काम चला है, चनेसर रोड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी काम हो रहा है, हमारा सेम टाइम में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। अच्छा आप समझते हैं पार्टियां सरपरस्ती करती रही तजावजात की कराची में? नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा। सर आप रहे तो हैं ना केएमसी के अंदर जा रहे हैं आपने तमाम चीज़ें देखी हैं एक ज़माने से? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पार्टी ने कोई सरपरस्ती नहीं की, ये लोग ज़ाती तौर पर अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है जी ये इमरान राजपूत साहब हमारे साथ थे और उनका कहना ये कि कराची को तजावजात से पाक करना है और इस पहले मरहले के अंदर उन्होंने कहा कि वैसे तो शहर के दीगर हिस्सों में कार्रवाई हो रही है लेकिन इस वक्त जो है वो नागन चुरंगी से फोर के चुरंगी तक ये जा रहे हैं और मशीनरी के जरिए जो है यहाँ से तमाम जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जा रहा है।